अच्छा भैया, आज ये बताएं, और जो इस मंडी में पहली वीडियो लगा रहा हूँ, और इस मंडी की क्या रूटीन जा रही है दूसरे मंडियों से? भाई जान, ये मंडी ने थोड़ा यहाँ कीमत होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मंडी पे ज्यादा कीमत होती है? मंडी से भी थोड़ी सी कीमत होते हुए नाले फार्म में होते हुए, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। ना ना निकल गए बढ़िया मंडी ने, बाहर का व्यापारी ज्यादा आंदा पाए, ठीक है। जानवर इतना तो बिकते 35,000 का, 40,000 का, सारे डीजी खान के 27,000 का, 28,000 का बिकते, तो कारोबार उतना थोड़ा मचा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मंडी कहाँ की है? मोहम्मदपुर पीर वाले दिन, ठीक हो गया। और आपके सामने मेरे भी डिटेल मालिक से खुद पूछ के आगे आपको बता रहा हूँ, अगर यही भेड़े हैं। अच्छा, आप पहले, सबसे पहले आप इनकी मालूमात दें, और गब्बा ने भेड़े खा ली है? ठीक हो गया। कितने सुबह में? दूसरे सुबह में मुंह से चार दांत हैं, और मुंह गब्बन भेड़े कितने टाइम के गब्बन है? चार चार महीने की गब्बन बता रहे हैं। और आपके समय क्या डिमांड कर रहे हो? 65,000 भैया, दोनों का, दोनों का 65,000 आपके सामने मेरे भी बता रहे हैं, और गब्बन तैयार ही बता रहे हैं। अच्छा, अगर यही डेरा गाजी खां में भेड़े होती, इनकी क्या कीमत होती वहाँ पे? 50,000 की, 25,000 की एक होती। देखिए मेरे भी इतना फर्क है आपके सामने, यहाँ पे 65,000 है, डेरा गाजी खां में होते आपको 50 की मिलती। फर्क खुद ने निकालना होगा मेरे भी आपके सामने, वो भी मालिक खुद बता रहे हैं, जो काम करने वाले हैं वो ही कह रहे हैं यार इतना वहाँ पर होगा। सही है, सही हो गया। अलहम्दुलिल्लाह, 25,000 गबन भेड़ मिल जाएगी, 4 महीने की जिम्मेवारी। अगर एक दो लेते हैं, आप 25 बता रहे ना, अगर कोई दोस्त लाट खरीदना चाहते तो मजीद सस्ता हो जाएगा? 23,000। अच्छा, इनके जो रेट होता है वो नस्ल के मुताबिक होते हैं? एक महीने का बच्चा कोई ना भाई जान, तो 50,000-60,000 का बच्चा। आज माशाल्लाह मेरे भाई पहुँचे हैं मोहम्मदपुर, और भेड़ों वाली मंडी पे मेरे भाई आज पहुँचे हैं। आज मोहम्मदपुर मंडी का आज कुछ आपको नई मालूमात, आज अपडेट आपको कुछ बताने लगते हैं मेरे भाई। आज मोहम्मदपुर मंडी की क्या सूरत हाल है, जो आजकल मोहम्मदपुर जो भेड़ों की मंडी है ना, उसकी डिटेल कुछ मालूमात आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं मेरे भाई। आज आपको नस्ल की पहचान करना चाहते हैं, आज देखते हैं। और काफ़ी दोस्त कह रहे थे ना यार, जैसे भाई कोई आसपास कोई और भी हमें नया मंडी हमें दिखाएं, जो भेड़ों की या मुंदरों की कोई ऐसी मंडी हमें दिखाएं, हमें भी पता चले यार यूसे भाई हम इतना दूर से जो आते जो है हमारे मकसद के लिए कौन सी मंडी है। आज मेरे भाई आज इस मंडी की भी रूटीन आज चेक करते हैं, और पूरी डिटेल पूरी मालूमात इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मेरे भाई आपको पूरी मालूमात अपने दोस्तों को दो शेयर करूँ। मैं तो अपने भाइयों को फुल पूरी कोशिश करना चाहता हूँ मेरे भी आपको डिटेल बताने की, कुछ मालूमात देने के लिए। अगर मज़ीद भी आपको वीडियो पे आपको सही तरह से आपको समय नहीं लगती मेरे भाई, आप हमसे कॉल पे भी रब्ता करते हैं, आप कॉल पे भी आपको इंशाल्लाह मालूमात आप ले सकते हैं, जितना इंशाल्लाह हमें मालूम होगा हम अपने भाइयों को वाकया इंशाल्लाह आपको बताएँगे। इंसाफ खुद ने करना होगा मेरे भाई, मेरे ऊपर नहीं छोड़ना होगा। जो आपको बेहतर से बेहतर मंडी लगे ना, जो आपको सबसे ज़्यादा एक मुनासिब मंडी लगे ना, आप उसी से ख़रीदारी किया करें, वही मंडी आपके लिए बेहतर होगी इंशाल्लाह। बाकी रेट आप हर से चेक किया करें, हर मंडी देखा करें मेरे भाई, लेकिन जो आपके सबसे बेहतर मंडी हो ना मेरे भाई, आप उसी से ख़रीदारी किया करें। क्योंकि आप एक हमारी वीडियो देख देख के मेरे भाई आपको शौक पैदा हो जाता है, आप कारोबार करने लग जाते हैं, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होना चाहिए मेरे भी, इजाफा होना चाहिए, क्योंकि आपका दिल बढ़, आपका शौक बढ़ सके, आपका दिल लग सके मेरे भी। क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊँ मेरे भी, ये जो काम है ना, एक अच्छा काम है, क्योंकि इस काम में आप काम करें ना, ये फ़ायदे वाला में, क्योंकि सुन्नत वाला काम है मेरे भी। आप काम उतना करें जितना आपके पास गुंजाइश है, आप जितना काम को संभाल सकें, कंट्रोल कर दें। काम करने से पहले किसी से मालूमात लेना ज़्यादा बेहतर होगा मेरे भाई। बाकी बैक कैमरे से आपको पूरी मालूमात आपको तफसील आपको बताऊंगा, अपने थ्रू कोई रैक नहीं बताऊंगा, और जो वो कहेंगे उसके मुताबिक आगे आपको बात शेयर करूंगा मेरे भाई। क्योंकि मैं इन चीज़ का मालिक नहीं हूं मेरे भाई, क्योंकि मालिक से खरीद रैक पूछूंगा तभी आपको पता चलेगा हाँ यार ये हमारी समय में आती है मंडी ये नहीं है। काफ़ी ये मैंने यार यूट्यूब पर मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अपनी तरफ खुद रेट बताते रहते हैं, खुद ही मालिक बन जाते हैं, लेकिन यार मेरे भाई पूरी मंडी का कोई एक मालिक बन सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, एक आदमी मालिक बन भी नहीं सकता, क्योंकि किसी के 10 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 2 जानवर हैं,
पर ऐसे से इंशाल्लाह मैं भी आपको मालूमात आगे आप डिटेल आपको बताता हूँ। बाकी मेरे भाई आपको बैक कैमरे से आपको पूरी तफसील पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। नस्लें आपने खुद देखनी होगी यहाँ पे कैसी नस्लें होती हैं भेड़ों की, और अच्छी नस्लें होती हैं और अच्छी की ना अच्छी नस्लें कहाँ पे मिलती हैं। आपने वीडियो मेरे भी आप माशाल्लाह हर रोज़ की वीडियो मेरी देखते हैं, ये खुद आपने चेक करना होगा जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा ना आप वही मंडी करें। मेरे भी मैं अपने भाइयों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप मेरे भाई आप ये वाली मंडी करें आपके लिए बेहतर होगी। आप ये तारीफ मैं कोई किसी मंडी की भी नहीं करता मेरे भाई, तो बात करूँ सीधी। बाकी सबसे पहले ये लाट अलहमदिल्ला मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये भी लाट मेरे भी आपने चेक करनी होगी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और ये जो भेड़े आपको नस्ल आपके सामने है और आपने खुद चेक करनी होगी। अगर आपके मतलब की ये नस्लें आप ऐसी नस्लें रख सकते हैं, अगर आप कहते हैं यार हमें इससे अच्छी चाहिए या इससे मारी थोड़ी चाहिए नस्ल में और दोगली चाहिए, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका दिल करे आप उसी तरह करें। बाकी ये भाई से मालूम लेते हैं इनकी क्या मालूम आते थे क्या बताते हैं मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम भैया। अच्छा भाईजान सबसे पहले ये बताएं ये मंडी कहाँ की है? मोहम्मदपुर मंडी लगी हुई है डेरा गाजी खान से तकरीबन कितना दूर है? ये डेरा गाजी खान से कितना दूर है तकरीबन? वैसे कितना टाइम का घंटा लगता है? दो घंटे लगते हैं, डेढ़ घंटे लगता है? मैंने सवा घंटे का मेरे भाई रास्ता है और डेरा गाजी खान शहर से। अच्छा मेरे भाई आप ये बताएं ये मंडी की आजकल क्या रूटीन जा रही है इस मंडी की? सही। अच्छा आप इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? 45 फाइनल कितने के हैं? 32,000। 32,000 ये बता रहे मेरे भी आपके सामने है। आज ये भेड़े हैं और कितनी भेड़े हैं? 8-10। क्या डिमांड फाइनल है? 32,000 की है। गब्बन ने खा लिया है? गब्बन तैयार बता रहे मेरे भाई आपके सामने। कितने सुबह में ये हमारा देख ले मेरे भाई, और ये भी हमारा देखे मेरे भी, इस भेड़ के भी देखे पहले दूसरा सुबह में, पहला और दूसरा सुबह में मेरे भी बता रहे। बाकी आप और भी देखे माशाल्लाह आपके सामने हैं, और ये भी माशाल्लाह अकेली भेड़ भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप ये भी माशाल्लाह मेरे भी आपने चेक करनी होगी, ये भी देखें। और इनकी भी भाई से डिमांड लेते हैं, इनकी क्या डिमांड करते हैं? क्या डिमांड कर रहे हो यार? 26,000। फाइनल कितने की है? 25,000। गब्बा ने खा लिया? कितना टाइम दे? कितने सुबह में? दूसरा सुबह में। और फाइनल कितने बताया राजू? 25,000 के इनके मालिक डिमांड करने लगे आपके सामने, मालिक इसकी 25,000 बता रहे डिमांड। बाकी और भी मैं आपको कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखने मेरे भी, और मुझे तो नहीं लग रहा कोई यहाँ पे कोई अच्छे और नस्ली जानवर यहाँ पे। और बाकी आपको और भी माशाल्लाह आपको दिखा देता हूँ, बाकी एक और भी भेड़ माशाल्लाह आपको ये दिखा रहा हूँ। आप इनका नकोड़ा दिखाएं, चाहे नकोड़ा दिखाएं, नकोड़ा भी मेरे भी आप इनका देखना होगा। चलिए क्या डिमांड करें इनकी? रेट क्या कर दे? 45,000 फाइनल कितने दिए? फाइनल 45,000 बता रहे हैं आपके सामने। और मेरे भाई आप रूटीन मंडी की चेक करें, ये क्या समझ में आते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर राय देना होगा। मेरे भाई मंडी आपको मुनासिब लग रही है, महंगी लग रही है, खुद आपने बताना होगा मेरे भाई जो आपको समझ आते हैं। आपने दूसरे लोगों को भी आप उशार किया करें, हाँ यार ये हमारी मंडी में समझ है, मंडी समझ आती है या नहीं आती मेरे भाई। और ये भी देखें भाई क्या डिमांड करें इनकी? फाइनल कितने की है? 23,000। इनका 23,000 बता रहे हैं आपके सामने। बाकी और भी माशाल्लाह मैं आपको चेक करा दूँ जानवर, वीडियो मुकम्मल देखने, वीडियो को स्किप नहीं करना होगा मेरे भी। हो सकता है कोई जानवर आपकी समझ में भी आ सकता है, कार्गो भी ले सकते हैं। बाकी आप ये भी जानवर माशाल्लाह भी ये देखें, और ये भी मैं आपको और सही दिखाएं यार नकोड़ा, और इसका भी मेरे भी आप नकोड़ा, आप इनका फेस भी मेरे भी आपने चेक करना होगा। और ये भी माशाल्लाह एक अच्छी नस्ल की भेड़ है, और छोटी बड़ी की बात नहीं होती, नस्ल की बात होती है। इनके रेट जो होते हैं नस्ल की क्वालिटी के ऊपर होते हैं, आप चीज़ मेरे भी आपने चेक करनी होगी। वहीं क्या डिमांड करें इनकी? फाइनल कितने की है? 35,000 की। कितने सुबह में? खीरी बच्चे दांत गए हैं। गब्बा ने खा ली है? फाइनल बताओ, फाइनल 35,000 की डिमांड करें। जिस दोस्त को चाहिए या कार्गो भी ले सकता है, अगर आना चाहते हैं अच्छी बात है, खुद आके ना देख बाल के लेके जाए वो ज़्यादा बेहतरी होगा। आल पूरे पाकिस्तान में वैसे मेरे भी कार्गो भी है। बाकी एक और भी भेड़ माशाल्लाह आपको पाकिस्तान की सबसे नंबर वन क्वालिटी की भेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये भी माशाल्लाह भेड़ देखें माशाल्लाह। और नस्ल आपके सामने मेरे भी, इनका नकोड़ा, आप इनका हुस्न मेरे भी आपने चेक करना होगा, ये चीज़ मेरे भी आपने देखनी। ये सिर्फ कौन सी नस्ल है मैं अपने थ्रू कुछ नहीं बताता, ये भाई बताएगा ये कौन सी नस्ल है, कितने सुबह में, और गब्बा ने खा लिया, पूरी डिटेल मालिक
سے خود پوچھ کے آگے آپ کو تفصیل سے آپ کو بتائیں گے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی ہاں یار یہ ٹھیک ہے ہماری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. آپ کے سامنے بھیڑ ماشاء اللہ مجھے تو بہت پسند آ رہی ہے, لمبائی ہائٹ ان کی اچھی ہے پوری ہے, اور دوسری بھیڑ بھی آپ یہ بھی دیکھیں اس کا بھی نکوڑا میرے بھی آپ نے چیک کرنا ہوگا. اگر گوگ فارمنگ کا آپ کو شوق ہے, دلچسپی ہے یا شوقیہ تو رکھنا چاہتے ہیں, یہی چیز رکھیں, ایسی بھیڑیں رکھیں, ایسی بھیڑیں الحمد للہ آپ کو اضافہ بھی دیتے ہیں. کیونکہ اگر پیسے آپ کے ایک بار لگیں گے کل کو اس نے بچے دینے نا وہ مذاق سے علاوہ آپ جتنے کی بھیڑ خریدیں گے نا اتنے کا آپ بچے بھی نہیں دیں گے ایک مہینے کے. باقی ان کے مالک سے ڈیمانڈ لیتے ہیں کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا بھائی جان آپ تعارف کرائیں تھوڑے. اچھا حنیف بلوچ. اچھا بھائی جان آج یہ بتائیں اور جو اس منڈی میں پہلی ویڈیو لگا رہا ہوں اور اس منڈی کی کیا روٹین جا رہی ہے دوسرے منڈیوں سے؟ اچھا اس منڈی پہ زیادہ قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جانور بکتے 35,000 کا 40,000 کا سارے ڈی جی خان 27,000 28,000 کا کاروبار تھوڑا مچا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ منڈی کہاں کی ہے؟ محمد پور پیر والے دن. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کے سامنے میرے بھی ڈیٹیل مالک سے خود پوچھ کے آگے آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہی بھیڑے ہیں. اچھا آپ پہلے سب سے پہلے آپ ان کی معلومات دیں اور گبا نے بھیڑے کھا لی ہے. ٹھیک ہو گیا. کتنے صبح میں دوسرے صبح میں منہ سے چار دانت ہیں اور منہ گبا نے کتنے ٹائم کے گبا نے چار چار مہینے کی گبن بتا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہوں دونوں کا؟ دونوں کا 65,000 آپ کے سامنے میرے بھی بتا رہے ہیں اور گبن تیار ہی بتا رہے ہیں. اچھا اگر یہی ڈیرا غازی خان میں بھیڑے ہوتی ان کی کیا قیمت ہوتی وہاں پہ؟ 50,000 کی 25,000 کی ایک ہوتی. دیکھیں میرے بھی اتنا فرق ہے آپ کے سامنے, یہاں پہ 65,000 ہے, ڈیرا غازی خان میں ہوتے آپ کو 50 کی ملتے. فرق خود نے نکالنا ہوگا میرے بھی آپ کے سامنے, وہ بھی مالک خود بتا رہے ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہی کہہ رہے ہیں یار اتنا وہاں پر ہوگا. صحیح ہے. صحیح ہو گیا. پچی ہزار گبن بیڑ مل جائے گی اگر فرض کریں ایک دو لیتے ہیں آپ 25 بتا رہے ہیں نا, اگر کوئی دوست لاٹ خریدنا چاہتا ہے مزید سستا ہو جائے گا. 23,000. اچھا ان کے جو ریٹ ہوتا ہے وہ نسل کے مطابق ہوتے ہیں؟ اللہ کی مہربانی ہے انہیں ایک مہینے کا بچہ کوئی نہ بھائی جان تو 50,000-60,000 کا بچہ ویسے. دیکھیں میرے بھائی بھائی لوگ خود ہی بتا رہے ہیں جو کام کرنے والا جو ان چیز کو جانتے ہیں نا ان سے معلومات آگے آپ کو لے کے بتا دیا. دیکھیں میرے بھائی جو بتا رہے ہیں نا ان کے مطابق آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے, آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہوگا. باقی یہ بھی دو ماشاء اللہ بھیڑیں کھڑی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ لیتے ہیں ان کی بھائی لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے گبن بتاتے ہیں خالی بتاتے ہیں پوری تفصیل اس سے بھی لیں گے. بھائی یہ گبن خالی ہیں خالی ہیں دونوں اور تیار ہے؟ کون سی تیار ہے؟ یہ سامنے والی. یہ سامنے والی بھائی کہہ رہے تیار ہے ان کے جو کہتے ہیں قریب ہے بچے دینے کے لیے. کتنے صبح میں؟ اچھا دوسرا صبح میں کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ 50. فائنل کتنے کے؟ 45,000 کی دونوں بھیڑے ماشاء اللہ. اگر یہی بھیڑے ڈیرا غازی خان میں ہوتی پھر کتنے کے ہوتے؟ 40,000 کے. دیکھیں میرے بھائی آپ کے سامنے وہاں پہ ایسی بھیڑ 20,000 کے ملتے. منڈی کے ریٹ ہے میرے بھائی, میرے ریٹ نہیں ہے منڈی میں جو بتا رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ ریٹ اوریجنل یا فیک ہیں؟ اوریجنل ریٹ ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, باقی آپ ہمیں دیکھیں اجازت. باقی نیکسٹ میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو بہت ہی جلد ملیں گے.